गीता में भक्तों को भगवान ने क्या कहा? मई मन आधस्व मई बुद्धि निवेश। देखो अंतःकरण चतुष्टय के लिए अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ग्रंथों में अलग, कहीं अब कहीं केवल मन बुद्धि की बात है, कहीं मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों चीजें आई हैं, और कहीं चित्त से भी, मतलब चित्त बोल दिए तो मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों की संज्ञा हो गई, मन बोल दिया तो मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों की संज्ञा हो गई, और चित्त बोलने से भी क्योंकि योग में तो मन का नाम नहीं लिया, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं, बड़ा बड़ी बड़ी सरल परिभाषा दी। तो जब चित्त कहा तो पूरे अंतःकरण की संज्ञा हो गई, माने चित्त कहने से पूरे अंतःकरण की संज्ञा हो गई, उसमें मन भी है, उसमें बुद्धि भी है, उसमें चित्त भी है, उसमें अहंकार भी है। ये क्या पर्सनालिटी है भीष्म की? ठाकुर सुनो, मैंने अपने किसी जन्म में कोई मैंने पाप नहीं किया है, और ये बुद्धि जो है ना, अब ये तेरे को समर्पित करता हूं ठाकुर, और ये समर्पित करने लायक है, इसकी मैं गारंटी देता हूं। अद्भुत व्यक्तित्व है, ये तुम्हारे लायक है ठाकुर, आप जितने पवित्र हो हमारी ये बुद्धि भी उतनी ही पवित्र है, ये आप ही के योग्य है, ये बिल्कुल तृष्णा से रहित है। कंचन की तृष्णा, कंचन का लोभ छोड़ना आसान है, लेकिन भक्त भी अगर अप्रतिहता भक्ति नहीं हुई, भक्ति में कंटिन्यूटी नहीं हुई, सातत्य टूट गया तो पाप हो जाएगा, संसार उसको खींच लेता है, जैसे नारद जी को खींच लिया। तो मतलब कंचन से बड़ा आकर्षण स्त्री में है, अप्सरा ठीक है अर्जुन को नहीं खींच पाई, लेकिन विश्वामित्र को मोहित होना पड़ा। तो कंचन से ज्यादा आकर्षण स्त्री में है, इसमें स्त्री जाति की बुराई नहीं है, इस चीज को समझने की चीज है। आप अपने को तौलोगे ना, अब भीष्म के साथ तो तोलना बड़ा महामूर्खता है, एक साधारण जब सतगुणी संत के साथ अपनी तुलना नहीं हो सकती, तो मैंने तो कह ही दिया कि करोड़ों जन्मों तक करोड़ों बार उदरस्त होने के बाद हम भीष्म नहीं बन सकते। कंचन का मोह माने कंचन का आकर्षण त्यागना संभव है, वो तो मुझे भी लगता है कि हम त्याग सकते हैं, बहुत कठिन है स्त्री का आकर्षण को त्याग करना, लेकिन हजारों लाखों लोगों को आप जानते होंगे देखते देखते मिल जाएंगे, और आपको अपने भी अनुभव होता है कि ये मुश्किल काम नहीं, इसको भी हम छोड़ सकते हैं, स्त्री के आकर्षण को। लेकिन लोकेशणा यश की ये सणा, बड़े बड़े सिद्धों को नीचे गिरा देती है, इसीलिए कहा सुत बित लोक ऐसना तीनी के ही के मलती त्रितन मली लोक ऐसना तीनी लोक ऐसना तीनी के ही के मती
यहां से तप कर निकलेगा ना तब कोई महात्मा बनता है। अरे पहला बैरियर आपने लांघ लिया, पास हो गए। कपिल देवहूति संवाद में जब भक्तों के बाद में गुरुजी बताते हैं कि प्राइमरी दर्जे का, मिडिल दर्जे का, फिर कॉलेज वाला, तो ये प्राइमरी दर्जे का ठीक है, आपको कंचन का ये पार कर गए, पास, फर्स्ट डिवीजन, कामिनी पास कर गए, कंचन कामिनी जस मैंने लोकेशन यहां आकर के बड़े बड़े मुनि जति साधु संत यहीं आकर के फेल कर जाते हैं। ये लोकेशना होती क्यों है, ये क्या चीज का प्रतीक है? मैं केवल संकेत करूंगा, फंसे तो एक ही में फंसे रह जाएंगे। ये लोकेशना चीज का संकेत करता हूं क्योंकि यहां सब सुधीर सोता है। लोकेशना क्यों, उसमें इतना आकर्षण क्यों है, क्यों इस परीक्षा को पास करना मुश्किल होता है? ये अहंकार, लोकेशना का तार सीधा अहंकार से जुड़ा हुआ है। यश की इच्छा है मतलब चित्त में अहंकार वृत्ति बहुत ज्यादा मजबूत है। सब जगह मेरी जय जयकार हो, जहां जाए फूल मिले, माला मिले, आगे पीछे लोग सलाम करें, सलूट करें, आकर दंडवत करें। एक नया प्रपंच, एक नया संसार बांधने वाला। योग में जब आप तमोगुणी संस्कारों का क्षय करते हैं, रजोगुण से रजोगुणी संस्कारों का क्षय करते हैं, तो तमोगुणी संस्कार छट गए, रजोगुणी संस्कार छट गए और केवल शुद्ध सतोगुण में आप प्रतिष्ठित हो गए, तो कैवल्य की वो शर्त पूरी नहीं हुई। उसके लिए सतोगुण से भी ऊपर उठना पड़ेगा, त्रिगुणातीत होना पड़ेगा। क्योंकि अगर सतोगुणी संस्कार हमारे चित्त में केवल है, तो किसी तरह के संस्कार अगर चित्त में हैं तो वो विचार उत्पन्न करेंगे, मतलब कर्म करना पड़ेगा आपको। संस्कार, उनसे विचार, विचार से कर्म, फिर कर्म से उसकी स्मृति, उस स्मृति से फिर संस्कार, मतलब केवल सतोगुणी संस्कारों का ही संचय हो गया। आपने साधना करके, जोग करके अपने पूरे तमोगुणी रजोगुणी संस्कारों का क्षय कर लिया, अब केवल शुद्ध सतोगुणी संस्कार बचे हैं। आनंद में आप डूबे रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये सतोगुणी संस्कार भी अगर चित्त में है तो सतोगुणी कर्म करने के विचार आएंगे। तो सतोगुणी कर्म जब होंगे तो उससे फिर सतोगुणी संस्कारों का संचय होगा। तो सतोगुणी संस्कारों के बंधन से जीव का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं लोग कि ज्ञानी को भी अंत में शरणागत करके भगवान के शरण में जाना पड़ता है। ज्ञानी को सतोगुणी संस्कारों से कैसे छूटिएगा, बताओ उसका कौन साधन है? हमें पता है कि तमोगुणी संस्कारों का क्षय कैसे करना है, हम नहीं कर रहे हैं, यह हमारा प्रारब्ध है। हमें पता है हमें सत्संगति करनी है, स्वाध्याय करना है, गुरु के चरण में बैठना है, मंत्र का जाप करना है, संध्या करनी है, गायत्री करनी है, साधन पता है, शास्त्रों ने बता रखा है, भजन करना है, कीर्तन करना है, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, सब बताया हुआ है। और मान लो कि लबालब सतोगुण से भर गए, अब क्या करोगे, इसको भी छोड़ना हो तो, अरे माइक ही तो है, ये मन भी माइक, ये बुद्धि भी माइक, ये चित्त भी माइक, ये अहंकार भी माइक, और ये गुण किसके हैं, प्रकृति के, रजोगुण भी माइक, तमोगुण भी माइक, सतोगुण भी माइक, और माया से ऊपर जाना है। वाह बाबा, मैं आंख बंद करता हूं,
कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की सरसैया पर पितामह भीष्म हमको लेटे हुए दिखते हैं। ठाकुर को बोलते हुए दिखते हैं, कलेवरं जावदिदं इदम्यहं प्रतीक्षतां प्रतीक्षतां। और बोलो बाबा, ठाकुर मैंने कभी पाप नहीं किया। हम सोचते हैं कि ठाकुर की ऐसी कृपा हो कि हम 100 करोड़ जन्म लेने के बाद भी ठाकुर से कह सकें कि मेरी बुद्धि में अब तृष्णा नहीं है, कि मेरे अब कोई पाप नहीं है। क्या हिम्मत है और कितनी सहजता से कह दिया। ये मति मेरी जो है ना ठाकुर, ये तुम्हारे लायक है। कंचन की तृष्णा नहीं है, कामिनी की तृष्णा नहीं है, और लोकेशणा भी जस की भी तृष्णा नहीं है। जीवन की सारी परीक्षाएं हमने पास करनी है। एक भक्त भगवान को सीधे सीधे बोलता है, डायरेक्ट। भक्तों की एक ये भी कोटी है, दैन्य तो पसंद है ठाकुर को, दैन्य भाव, दीनता, शरणागति, और करोड़ों करोड़ों भक्त मिलेंगे उस भाव के, लेकिन भीष्म के भाव का भक्त ढूंढना बड़ा मुश्किल है। बोले पितामह भीष्म की, ठाकुर जी की जे।